सो हेलो गाइस, कैसे आप सब? उपसंग से। सो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है, आर कार्ब्स बैड फॉर यू? काफ़ी लोग कार्ब्स को एज अ ईवल देखते हैं और अपने वेट गेन होने पर कार्ब्स को गिल्टी ठहराते हैं, पर आपके वेट गेन के पीछे का रीज़न क्या सिर्फ कार्ब्स खाना ही है? और क्या कार्ब्स को अवॉइड करना आपके लिए बेनिफिशियल है? ऐसे सवाल के जवाब हम जानेंगे आज की वीडियो में। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं कार्ब्स होता क्या है। कार्ब्स और कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम से बने मॉलिक्यूल्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, सुगर, स्टार्च एंड फाइबर। सुगर स्वीट शॉर्ट चेन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज एंड लैक्टोज सुगर के ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं। स्टार्च लॉन्ग चेन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपके डाइजेस्ट सिस्टम में ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होते हैं। और वहीं फाइबर की बात करें तो फाइबर को ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, बट डाइजेस्ट सिस्टम में मौजूद बैक्टीरिया इन फाइबर्स को कुछ तरह से इस्तेमाल में लाती है। और साथ ही साथ फाइबर कंज्यूम करना आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी है। आपकी बॉडी को रन करने के लिए फ्यूल प्रोवाइड करना कार्बोहाइड्रेट्स का प्राइमरी पर्पस होता है। कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में ब्रेक डाउन या ट्रांसफॉर्म होकर आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को एज ए एनर्जी स्टोर फैट में कन्वर्ट करती है फॉर लेटर यूज़। डिफरेंट फूड्स में डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं और इनके इफ़ेक्ट्स आपकी हेल्थ पे वेरी करते हैं। जनरली टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फर्स्ट सिंपल और रिफाइंड कार्ब्स एंड सेकेंड कॉम्प्लेक्स और होल कार्ब्स। जहाँ होल कार्ब्स में फूड में पाए जाने वाला नेचुरल फाइबर मौजूद होता है, वहीं रिफाइंड कार्ब्स काफ़ी प्रोसेस से गुजरने के बाद इसमें से नेचुरल फाइबर्स रिमूव हो जाता है। रिफाइंड कार्ब्स सिंपल शुगर होने की वजह से आपकी बॉडी में इंस्टेंटली डिजॉल्व हो जाते हैं, जिस वजह से आपके ब्लड शुगर में इंस्टेंट स्पाइक आ जाता है, जिससे आपको इंस्टेंटली एनर्जी तो महसूस होती है बट वो एनर्जी एकदम से क्रैश डाउन भी कर जाती है। एंड इस शुगर क्रैश के बाद आपके हंगर हार्मोन ट्रिगर होते हैं और आपकी फूड क्रेविंग और बढ़ती है। और इन रिफाइंड कार्ब्स में किसी भी तरह के न्यूट्रिएंट्स या फाइबर ना होने की वजह से इन्हें हम एम्प्टी कैलोरीज भी कहते हैं। और काफ़ी स्टडीज़ में बात सामने भी आई है कि रिफाइंड कार्ब्स को लॉन्ग टर्म के लिए कंज्यूम करने से आपको क्रॉनिक डिजीज़ या डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वहीं बात करें होल या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की, तो इनमें मौजूद फाइबर की वजह से ये आपकी बॉडी में स्लोली डाइजेस्ट होते हैं, जिस वजह से आपके ब्लड शुगर लेवल भी स्थिर रहते हैं और आपको एक कॉन्स्टेंट एनर्जी सप्लाई भी मिलता है। और काफ़ी स्टडीज़ में बात सामने भी आई है कि होल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे लेग्यूम्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स को कंज्यूम करने से आपका मेटाबॉलिक सिस्टम इम्प्रूव होता है और आपको कई सारी डिजीजेज होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और कार्ब्स आपकी ओबेसिटी के पीछे का रीज़न है, इस सवाल का जवाब दे तो इसके पीछे का रीज़न है रिफाइंड कार्ब्स। और यहाँ पर रिफाइंड कार्ब्स ही वो कार्बोहाइड्रेट्स है जो ओबेसिटी रेट के बढ़ने के पीछे का रीज़न है। इसलिए अपनी डाइट में रिफाइंड कार्ब्स को अवॉइड करते हुए होल कार्ब्स को कंज्यूम करें, क्योंकि अगर आप होल कार्ब्स को अपनी डाइट से कम्प्लीटली अवॉइड करते हैं तो आपको कई सारी प्रॉब्लम्स जैसे हेडेक, वीकनेस, नौजिया, डिजीनेस, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन और कई विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। सो कार्ब्स को कम्प्लीटली अवॉइड करना इज़ नॉट द राइट आंसर, बट चूजिंग द राइट कार्ब्स इज। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लेग्यूम्स, होल ग्रेन्स, लेंटिल्स, नट्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल्स हैं। और वहीं वाइट राइस, वाइट ब्रेड, पास्ता, कुकीज़, चॉकलेट, चिप्स, सोडा सिंपल कार्ब्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सो अपनी डाइट में से रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को रिमूव करके हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स को चूज़ करना एक राइट ऑप्शन है। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है या आप चाहते हैं कि मैं किसी नए टॉपिक वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।